हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बर्थ मार्क्स के बारे में। आप में से कितनों को पता है कि बर्थ मार्क्स एक्चुअल में होते कैसे हैं? बर्थ मार्क्स के पीछे बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं कि भगवान जब हमें डंडा मार के भेजते हैं तो जितना बड़ा बर्थ मार्क उतना मतलब भगवान ने डंडा मार के भेजा। सेकेंड मिथ है कि एंजल किसेस, एंजल ने किस किया तो यू एवर थिंक कि एंजल किस करेंगे आपके बॉडी पार्ट्स में। हाँ, और जब बच्चा मदर के वॉम के अंदर है तो भगवान ने डंडा कब मारा। और थर्ड है मिथ कि जब प्रेग्नेंट लेडी कुछ चीज़ों को नहीं खा पाती है तो फिर बर्थ मार्क्स हो जाते हैं। तो ऐसा पता नहीं इन बातों में कितनी सच्चाई है, मैं इन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहती, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न कुछ और होता है। तो जानते हैं साइंटिफिक रीज़न। बर्थ मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो आपकी बॉडी में बर्थ के साथ ही जब आप पैदा होते हैं उस समय आपके कहीं ना कहीं आपके फेस पे, आपके पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, वास्कुलर बर्थ मार्क्स और पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स। वास्कुलर बर्थ मार्क्स थोड़े रेडिश टाइप के होंगे, पिगमेंटेड थोड़े से दाग जैसे लगेंगे, देखने में ऐसा लगेगा कि डार्किस थोड़े ब्राउन टाइप के दाग जैसे होते हैं, उनको एशियन बर्थ मार्क्स भी बोला जाता है। एक्चुअली इनका रीजन होता है, वास्कुलर बर्थ मार्क्स का रीजन होता है कि जब आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल एक जगह क्लस्टर हो जाती है और जो ब्लड वेसल वाइड हो जाती है, वाइडर हो जाती है थोड़ी सी, इसलिए वहाँ पे वास्कुलर बर्थ मार्क्स हो जाते हैं जो कि थोड़े रेडिश टाइप के लगते हैं देखने में, और ये धीरे धीरे फिर ठीक हो जाते हैं। और जो आपके पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स होते हैं वो होता है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट ऑफ एक्ने। उस एरिया में अगर एक्सेसिव मेलानिन पिगमेंट अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो वहाँ पे आपको बर्थ मार्क्स मिलते हैं डार्क कलर के, वो भी धीरे धीरे एज के साथ वो लाइटन होते जाते हैं और वो कम होते जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिथ्स क्लियरेंस ऑफ द बर्थ मार्क्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बायो ट्रिक्स, बायो कॉन्सेप्ट्स, बायो MCQs, फैक्ट्स एंड मोटिवेशन एंड स्टडी टिप्स। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर